आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। बलरामपुर CHC का रिश्वतखोर बाबू सस्पेंड, डेप्यूटी CM ब्रजेश पाठक की सख्ती के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। सामुदायिक स्वास्थ्य श्री दत्तगंज में तैनात वरिष्ठ सहायक का रिश्वत मांगते वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में भ्रष्टाचार की कलाई खुल गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले को गंभीरता से लिया है। डेप्यूटी CM के निर्देश पर वरिष्ठ सहायक सौरभ चंद्र दुबे को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी बाबू को अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवी पाटन मंडल गोंडा कार्यालय से संबद्ध किया गया है। ये था मामला। वायरल वीडियो में CHC श्री दत्तगंज के वरिष्ठ सहायक सौरभ चंद दुबे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सनी से कहता है कि GPF के भुगतान के लिए 20,000 रुपये लगेंगे। कर्मचारी कहता है कि बाबू 1,35,000 रुपये भुगतान के लिए 20,000 रुपये रिश्वत अधिक है। पहले आपने 15,000 के लिए बोला था। इस पर बाबू भड़कते हुए कहता है कि CMO से आदेश कराना होगा, 10,000 रुपये मुख्यालय पर ही देना होगा, वहाँ बिना दिए काम नहीं होता है। पैसे दिए रहेंगे तो चढ़कर काम करा लेंगे। आज 19 तारीख है, 23 को हम लौटेंगे तब काम होगा। हमने वहाँ पूछा तो बोला गया कि पहले पूरा पैसा ले लेना तब काम करना। बाबू को हटाकर 5 सदस्यीय टीम गठित, वीडियो वायरल होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आरोपित बाबू को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया था। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई थी। इसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी, डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शिवेंद्र मणि त्रिपाठी, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्र व जिला मलेरिया अधिकारी राजेश पांडे शामिल हैं। आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।